केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हो रहा है। बिहार में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। कई इलाकों में आगजनी हो रही और ट्रेनों को भी रोका जा रहा है। लेकिन बिहार में इस योजना के विरोध का क्या है कारण, जरा समझे। जी हाँ, आपको बता दें, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बवाल शुरू हो गया। इसका सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हो रहा है। बिहार में आज दूसरा दिन है जब इस योजना को लेकर हंगामा हो रहा है। बुधवार को कई इलाकों में आगजनी और पत्थरबाजी की खबरें भी सामने आई थी। बक्सर और बेगूसराय से लेकर मुजफ्फरनगर तक युवाओं का प्रदर्शन जारी है। बिहार के जहानाबाद जिले में आज सुबह से ही हंगामा शुरू हो गया। कुछ युवाओं ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध किया। वहीं बक्सर में युवा रेलवे स्टेशन पर हंगामा कर रहे आज सुबह से सैकड़ों युवा पटरी के सामने खड़े हो गए हैं। कल भी बक्सर में 100 से ज्यादा युवाओं ने पटरी पर बैठकर धरना दिया था, जिस कारण जनशताब्दी एक्सप्रेस की आवाजाही आधे घंटे तक प्रभावित रही। बिहार में जो युवा अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, ये वो युवा हैं जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि उन्होंने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही, जिससे उनका भविष्य खतरे में आ गया। स्थानीय मीडिया में दावा किया गया है कि बक्सर में पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पर युवाओं ने पत्थरबाजी की थी। हालांकि आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपक कुमार और जीआरपीएफ एसएचओ रामाशीष प्रसाद ने इंडियन टाइम न्यूज को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर में सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं ने चक्कर मैदान के पास टायर जलाकर अपना विरोध जताया। बेगूसराय में भी अभ्यर्थियों ने महादेव चौक पर प्रदर्शन किया और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें, बक्सर में लगातार दूसरे दिन रेलवे ट्रैक को युवाओं ने जाम कर दिया। दरअसल हर साल लाखों युवा सेना में जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2 साल से सेना में भर्ती रुकी हुई है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए सेना रैलियों का आयोजन करती है। इस रैली में युवा हिस्सा लेते हैं और उसके बाद कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसी साल 25 मार्च को लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया था कि 2021 में 97 रैलियां आयोजन करने की योजना थी, जिसमें से 47 रैलियां ही हुई और सिर्फ 4 के लिए ही एंट्रेंस टेस्ट हुआ। वहीं 2021-22 में 47 रैलियां करना था, लेकिन सिर्फ 4 ही हो सकी और एक भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।